बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन का सम्मान समारोह संपन्न। छत्तीसगढ़ के पौनी जिले के बिलाईगढ़ में जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन ने एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित गौतम ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं बिलाईगढ़ विधायक श्री चंद्रदेव राय शामिल हुए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के महासचिव सेवक दास दीवान, प्रदेश अध्यक्ष महेश आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन झा आदि लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन जिला स्तरीय अधिवेशन था। मैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप पत्रकार संघ के सम्माननीय अमित गौतम जी, हमारे जिला अध्यक्ष सेवा और पूरे पत्रकार साथियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान लोकतंत्र पर चलता है और लोकतंत्र जितना मजबूत होता है, स्पष्ट है कि जब तक ये चौथा स्तंभ मजबूत होगा तब लोकतंत्र मजबूत होगा। और चौथा स्तंभ तो निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है। मैं आज आप सबको आधार स्तंभ को बधाई देता हूँ और आप सबको ये अपेक्षा के साथ कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पत्रकारों के लिए बहुत जल्द कानून लाने जा रहे हैं, पत्रकार अधिनियम जो बनाने जा रही है अधिकार, ये तो कांग्रेस की घोषणा पत्र में है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, हमारी 5 साल के कार्यकाल में अभी तक 36 में 24 घोषणाएं पूरी कर ली गई, शेष जो है वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि कोरोना काल की वजह से 1 साल जो विलम्ब हुआ छत्तीसगढ़ को छोड़कर विकास उन्नति प्रगति गढ़मो नवा छत्तीसगढ़ की आशाओं को अभी पूरा करने में थोड़ी तकलीफ हुई है, पर कोरोना जैसे ये घाव भरने लगा है निश्चित ही अच्छा होगा। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, पत्रकार हमारा अपना है, परिवार है, आप सबके हित में परस्पर छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर दिनों दिन प्रगति के साथ आपके साथ कदम पे कदम मिला के चल रही है। आप सबको आश्वस्त कराता हूँ, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सब ने मुझे आयोजन में आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया, और आप सबको पुनः बधाई और शुभकामनाएं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। गाने बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महान संत रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे जिले में यह शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जहां शहर वासियों ने संत रविदास जी की शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। शोभा यात्रा में नगर के लोगों ने स्वामी कृपा भगवान के साथ नाचते गाते बच्चे बुजुर्गों जवान लड़का लड़की सभी लोग झूमते नजर आ रहे थे, जहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्त जन मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरा माजरा वीडियो के माध्यम से। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ सत्य ओम प्रकाश कश्यप के साथ।